नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं अनिद्रा के बारे में, जिसमें नींद नहीं आती लोगों को और किसी भी कारण से नींद नहीं आती। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है और ज़्यादातर तेज़ दिमाग वालों को भी ये शिकायत ज़्यादा हो जाती है कि अक्सर नींद ना आना की प्रॉब्लम हो जाती है। नींद आना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो दोस्तों, उसकी दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप दवाइयाँ ध्यान दे के समझ लें, नाम नोट कर लें और लक्षण मिला लें, आपको निश्चित रूप से जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम कॉफिया दवा बता रहे हैं। जब पूरी तरह जगा रहे, आंखें बंद करना असंभव, शारीरिक उत्तेजना के साथ मानसिक उद्वेग, शुभ समाचार, कार्य अधिकता जिसके कारण प्रसन्नता हो या अचानक कोई शुभ घटना के कारण अनिद्रा लेकिन दर्द या परेशानी के कारण नहीं, तो ये लक्षण है आपका कॉफिया का, नोट करें। तो दूसरी दवा बता रहा हूँ, सेनेसियो, गर्भाशय के बाहर आ जाने के कारण या वय संधि के समय गर्भाशय की परेशानी के कारण अनिद्रा पैदा हो जा रही है, तो ये दवा यूज की जाएगी। इसके बाद है सिप्रीपेडियम, मस्तिष्क में अनेक प्रकार के अच्छे विचार भर जाने के कारण, प्रायः बच्चे इस दशा में रात भर खेलते हुए जागते हैं जिससे माँ बाप को परेशानी होती है, तो ये दवा दी जाती है। उसके बाद है मैग्नेशिया कार्ब, पेट में किसी प्रकार की खराबी या आंतरिक गर्मी की परेशानी के कारण अनिद्रा जिसमें खुल जाने का डर रहता है या पेट में हवा के कारण अनिद्रा, तो ये दवा दी जाती है। अगली दवा है कालीफॉस, अनिद्रा की मुख्य दवा, विशेष रूप से मध्य रात्रि के बाद रोगी व्यापारिक परेशानी या मानसिक थकान के कारण टूटा हुआ होता है, तो इस दवा को यूज़ करना चाहिए, ये अनिद्रा की मुख्य दवाओं में है। इसके बाद है म्यूरेटिक एसिड, उनिंदा लेकिन सो नहीं सकता, करवटें बदलता है, सपने देखता है और रात भर परेशान रहता है, चिड़चिड़ाता है। कॉस्टिकम, शुष्क गर्मी के कारण रात की अनिद्रा, करवटें बदलता है लेकिन आराम अनुभव नहीं करता, तो कॉस्टिकम दवा दी जाती है। इसके बाद है फेरममेट, बार बार पलंग की स्थिति बदलने पर केवल उत्तर को सिद्ध करके सो सकता है, तो फेरममेट दवा देनी चाहिए। इसके बाद है इग्नेशिया, इतनी हल्की नींद सोता है कि हर चीज़ सुन सकता है, रात भर एक ही विषय पर स्वप्न देखता है, चिंता दुख या दुखित भावनाओं के कारण निद्रा, ऐसी परेशानी मानो शरीर में झटके आ रहे हो, तो इग्नेशिया दवा दी जाती है। इसके बाद है आर्निका मॉन, शारीरिक और मानसिक थकान या टूटन के कारण नींद ना आ रही हो, तो आर्निका मॉन ले जाए। इसके बाद है एकोनाइट, चिंता, बेचैनी, परेशानी या डर के कारण निद्रा, बच्चा बुरी तरह करवटें बदलता है, तो एकोनाइट दवा दी जाती है। इसके बाद है आर्सेनिक एल्बम, हवाई हमले के डर से अनिद्रा, तो आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। इसके बाद है ओपियम, कॉफिया दवा के असफल होने पर, यानी कॉफिया का ही लक्षण रहेगा लेकिन अगर कॉफिया नहीं काम करी तो ओपियम दवा काम करेगी। इसके बाद है सल्फर, दिन भर सोना और सारी रात जागना, गिल्ली नींद, तो सल्फर 30 खाई जा रही है। इसके बाद है क्लीमेटीज, सुबह उठने पर अनुभव करना कि मानो पूरी तरह नहीं सोया, तो क्लीमेटीज दवा यूज की जाती है। इसके बाद है पेसीफ्लोरा, बहुत लाभदायक दवा लेकिन मदर टिंचर में 10 से 30 बूंद की खुराक दी जानी चाहिए, इस दवा को गर्म पानी में 30 बूंद करीब डाल करके चाय की चुस्की के तरीके से पीने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है, मैंने इसको टेस्ट किया है। इसके बाद अगली दवा है अम्ब्रा ग्रीसिया, व्यापारिक परेशानियों या अन्य मानसिक परेशानियों के कारण अनिद्रा, रोगी बुरी तरह थक कर लेटता है लेकिन सिर से तकिया लगते ही जग जाता है, तो ये लक्षण जो है अम्ब्रा ग्रीसिया के हैं। अगली दवा है स्नायविक थकान से टूट जाने के कारण अनिद्रा, स्नायविक थकान से टूट जाने के कारण अनिद्रा, तो टबैकम दवा दी जाती है। अगली दवा है बेलिस पी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाना और फिर सो जाने में असमर्थ, मदर टिंचर लेनी चाहिए इस दवा से। इसके बाद है कॉकलस इंडिका,
उन लोगों की अनिद्रा जिन्हें रात भर जागना पड़ता है अथवा चिंतित अवस्था में रोगी की परिचर्या करनी पड़ती है या व्यापारिक चिंता के कारण मन परेशान रहता है, नसों पर यह दवा असर नहीं करती, तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद स्टर्कुलिया एल, उन जल्दी घबराने वाले रोगियों की अनिद्रा जो बहुत बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और फुर्तीले हैं या जो समाज में, व्यापार में शीर्ष स्थान में है, जिन्हें सोचना ज़्यादा पड़ता है, स्नायविक एवं पित्त की अधिकता के कारण सिर की जड़ से होने वाली दर्द के कारण अनिद्रा, तो ये दवा यूज़ की जाती है। और अगली दवा है नक्स भूमिका, नशेड़ियों या चाय अथवा काफ़ी के दुष्परिणाम या पेट की गड़बड़ के कारण अनिद्रा, तो नक्स भूमिका काम करती है। इसके बाद है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या है कि मस्तिष्क में अधिक विचारों या बेचैनी के कारण अनिद्रा, आँख बंद कर करना असंभव क्योंकि ऐसा करते ही भयानक आकृतियाँ दिखती हैं, बच्चों का डर के उठ जाना, तो बेलाडोना दवा दी जाती है। अगली दवा है हायोसियामस, मानसिक उत्तेजना, दिमाग में अनेक प्रकार की आकृतियों या विचारों की परेशानी के कारण अनिद्रा, बच्चों की अनिद्रा जिसमें वे बुरी तरह डर के चिल्लाते हैं एवं उनके अंग फड़कते हैं, आसानी से उत्तेजित या चिढ़ने वाले व्यक्तियों की अनिद्रा, इन लोगों में हायोसियामस दवा दी जाएगी। कैमोमिला, दर्द के कारण अनिद्रा, तो कैमोमिला दवा खानी चाहिए। जेलसीमियम, मस्तिष्क का कार्य करने वालों की अनिद्रा, तो जेलसीमियम से जाएगी। और लास्ट दवा है कैनाबिस इंडिका, अनियमित तरीके से और मुश्किल से नींद आने वालों की दवा, मदर टिंचर की 10 बूंद की खुराक दें। तो दोस्तों यही है आपके अनिद्रा की दवा। तो जिस किसी भाई को नींद नहीं आती, नींद ना आने की शिकायत है, इसमें से अपना लक्षण ढूंढ के अपनी दवा सिलेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट कर लें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।